S100 में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौरे पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के एक और कदम के रूप में मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। पीएम ने राजस्थान में कई रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई रेलवे परियोजनाओं में चित्तौड़गढ़ नीमच रेलवे लाइन और कोटा चित्तौड़गढ़ विद्युतीकृत रेलवे लाइन के दोहरीकरण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर दराह झालावाड़ 3 धार खंड पर 4 लेन सड़क का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथद्वारा में विकसित पर्यटन सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। चित्तौड़गढ़ में रैली को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री को का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की मनमानी राजस्थान की धरती पर नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है। पीएम ने राजस्थान में व्याप्त अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर राजस्थान सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछड़ों और दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। पीएम मोदी ने वन रैंक वन पेंशन का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर ठगी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जब भी हार का भय होता है वो राज्य का खजाना लुटा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन किए। सांवलिया सेठ मंदिर अपनी सुंदरता और विशिष्टता के कारण हर साल लाखों भक्तों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। सांवलिया सेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से है। किंवदंतियों के अनुसार सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वो पूजा किया करती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में करीब 19,260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इसे लगभग 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी ने 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर से सुमावली के बीच चलने वाली ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश में हुए विकास कार्यों को सराहा। पीएम ने कहा कि जितना काम सरकारें एक साल में नहीं कर पाती उससे ज्यादा विकास परियोजनाओं का तोहफा भाजपा सरकार एक दिन में दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के शीर्ष 10 राज्यों में ले आई है। पीएम ने कहा कि यहां से हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में ले जाने का है। प्रधानमंत्री मोदी का ग्वालियर में शानदार स्वागत किया गया। लोगों ने पीएम मोदी का अभिनंदन करते हुए मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। बिहार की नीतीश सरकार ने एक बड़ा दांव चलते हुए जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक राज्य की कुल आबादी करीब 13 करोड़ है। जाति आधारित गणना रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 36% है। पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 27% के करीब और सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। नीतीश कुमार ने इन आंकड़ों को जारी कर राहुल गांधी के जातीय जनगणना के मुद्दे पर बढ़त ले ली है। हालांकि भाजपा का आरोप है कि सरकार इन जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति स्पष्ट करने में असफल रही है। नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे आर्थिक सामाजिक सर्वे माना था लेकिन इस जनगणना में आर्थिक आंकड़े नदारद दिखाई देते हैं। भाजपा इसे आधी अधूरी रिपोर्ट बता रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जाति आधारित गणना रिपोर्ट को भ्रामक बताया है। उन्होंने बिहार सरकार से रोजगार और विकास कार्यों पर रिपोर्ट कार्ड जारी करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं में भेदभाव के आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बंगाल को
यूपीए सरकार की अपेक्षा ज्यादा राशि आवंटित की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मनरेगा जैसी स्कीम में पश्चिम बंगाल को पिछले 9 सालों में 54,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए, जबकि यूपीए के समय ये आंकड़ा सिर्फ 14,900 करोड़ रुपए ही था। भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार के मनरेगा और आवास योजना की निधि के बकाए की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को ड्रामा और सर्कस करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने टीएमसी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे पर ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, इन मुद्दों पर टीएमसी ने कभी विरोध प्रदर्शन नहीं किया। उधर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और अन्य भाजपा विधायकों ने विधानसभा में राज्य सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि ममता सरकार का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा, ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में चल रहे भ्रष्टाचार पर लीपापोती करने के लिए ममता बनर्जी को अपने कुछ भ्रष्ट सांसद और नेताओं को दिल्ली भेजना पड़ा। देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मना रहा है। महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैला है। ऐसे महात्मा और राष्ट्रपिता हमारे बापू की जयंती पर हम सभी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुगलसराय में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता के पर्याय माने जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर दिल्ली में राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर विजय घाट पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के 119वीं जयंती पर विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का श्रद्धासुमन अर्पित किया। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। गांधी जयंती के मौके पर गुजरात के साबरमती आश्रम में सर्वधर्म सभा आयोजित की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधी जयंती के मौके पर खादी को भारतीय धरोहर और विरासत का प्रतीक बताया और लोगों से खादी उत्पाद खरीदने की अपील की। नड्डा ने इस अवसर पर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी स्टोर का दौरा किया और वहां से कुछ वस्त्र भी खरीदे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती विदेशों में भी मनाई गई। सत्य और अहिंसा के पुजारी की गांधी जयंती पर कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। नई दिल्ली स्थित भारतीय योग संस्थान का 57वां योग दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में 10,000 से अधिक साधक साधिकाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में गाजियाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक और नोएडा समेत तमाम शहरों से साधकों ने योग दिवस समारोह में हिस्सा लेकर योगाभ्यास किया। दिल्ली पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी NIA की लिस्ट में मोस्ट वॉन्टेड आतंकी शाहनवाज उर्फ शमी उज्जमा को गिरफ्तार किया है। NIA ने इस आतंकवादी के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। आतंकी से पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पेशे से इंजीनियर शहनवाज दिल्ली का रहने वाला है। पुणे पुलिस कस्टडी से फरार होकर दिल्ली में ठिकाना बनाकर रह रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP SGS धालीवाल ने कहा है कि स्पेशल सेल लंबे समय से इंडियन मुजाहिदीन और ISIS सरगना पर नजर रख रही थी। इसी कड़ी में स्पेशल सेल ने पिछले महीने 3 लोगों के खिलाफ इनाम घोषित किया था, जिन पर विभिन्न विस्फोट मामलों में शामिल होने का आरोप था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 60 से अधिक संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की है। खुफिया इनपुट के बाद NIA की अलग अलग टीमों ने राज्य पुलिस बलों के साथ संयुक्त अभियान में छापेमारी शुरू की।
तेलंगाना के हैदराबाद और आंध्र के गुंटूर, नेल्लोर, तिरुपति में जिन संदिग्धों के घर पर छापेमारी की गई है उनके नक्सली समर्थकों के साथ संबंध होने का शक है। इससे पहले 9 सितंबर को एनआईए ने अगस्त 2023 के एक मामले के संबंध में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में छापे और तलाशी की थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को मुजफ्फरनगर में श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फरनगर में कहा कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों को मैं नमन करता हूं। हम संकल्प लेते हैं कि हम उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। राहुल गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेवा भी की। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में आग लगी। दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच आग पर काबू किया। किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग में कंपनी का सामान जलकर खाक हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में रन फॉर पीस कश्मीर मैराथन 2023 का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार में आम लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इनकी समस्या जल्द से जल्द हल करने का निर्देश दिया। केरल के कई भागों में भारी बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 3 जिलों पत्तनमथिट्टा, अलापुझा और एर्नाकुलम में येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 नए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के नामों का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार से अजय आलोक और दिल्ली से प्रत्युष कंठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त करने की घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में आयोजित संत ईश्वर सम्मान समारोह में भाग लिया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 21 वर्षों से ये संस्था सामाजिक बदलाव के लिए काम कर रही है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME मंत्री नारायण राणे ने आज कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC को गांधीवादी आदर्शों को आगे बढ़ाने के साथ मुनाफा कमाने पर ध्यान देना चाहिए। राणे ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि KVIC का लाभ वर्ष 2014 के करीब 800 करोड़ रुपए से बढ़कर 34,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने आज चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6.5% रहने का अनुमान जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 9 साल में जो सुधार किए हैं उससे देश की व्यापक आर्थिक स्थिति को फायदा हो रहा है। भारत ने 5G सेवाओं की शुरुआत कर मोबाइल डाउनलोड स्पीड में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क की गति की जानकारी देने वाली कंपनी ओकला के अनुसार देश स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 72 पायदान चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गया है। सितंबर महीने में अधिक उमस रहने से एयर कंडीशनर और कूलर की जरूरत बढ़ने से देश में बिजली की खपत सालाना आधार पर 10.7% बढ़कर 140.49 अरब यूनिट हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में 3.4% बढ़कर 29.48 करोड़ टन रही। गौरतलब है कि पिछले 2 महीनों में बिजली की मांग भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। हिंदुस्तान जिंक का खनन धातु का उत्पादन चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1% की मामूली गिरावट के साथ 2.52 लाख टन रहा है। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का खनन धातु उत्पादन 2.55 लाख टन था। वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 7 प्रमुख शहरों में जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान पट्टे पर कार्यालय स्थल की मांग शुद्ध रूप से 5% बढ़कर 1.03 करोड़ वर्ग फुट हो गई। JLL ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान पेश किया है। देश में चाय का उत्पादन इस साल अगस्त में करीब 4% घटकर 17.79 करोड़ किलोग्राम पर आ गया है। अगस्त 2022 में चाय का उत्पादन 18.54 करोड़ किलोग्राम से अधिक रहा था। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने खारघर विक्रोली पारेषण लाइन चालू कर दी है। इससे मुंबई शहर को 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति हो सकेगी। अडानी समूह ऊर्जा बदलाव यानी हरित ऊर्जा कारोबार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2027 तक 10 गीगावाट की एकीकृत और विनिर्माण क्षमता स्थापित करने में जुटा हुआ है।
निवेश कंपनी आईक्वेस्ट एंटरप्राइजेज ने वियाट्रिस के औषधियों के लिए मुख्य कच्चा माल एपीआई यानी रसायन बनाने के कारोबार का अधिग्रहण करने की घोषणा की। कंपनी ने कहा कि निवेश कंपनी ने भारत में प्रमुख दवा कंपनी वियाट्रिस के औषधियों में उपयोग होने वाले प्रमुख रसायन कारोबार का अधिग्रहण करने के लिए पक्का समझौता किया है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात की। प्रवासी भारतीयों के साथ अपने संवाद में कहा कि प्रवासी भारतीय भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दोस्ती का सेतु बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। एक दिन पहले राजधानी अंकारा में हुए आत्मघाती हमले के जवाब में तुर्की ने जोरदार पलटवार किया है। तुर्की की वायुसेना ने इराक स्थित कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों पर एक साथ बमबारी की, जिसमें कई कुर्द लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है। दक्षिण पश्चिमी जिम्बाब्वे में एक निजी विमान तकनीकी खराबी के कारण हीरे की एक खदान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार एक भारतीय खनन कारोबारी और उसके बेटे सहित 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावी हिंदू धार्मिक नेता स्वामी विज्ञानानंद ने बैंकॉक में हिंदू समुदाय की एक वैश्विक बैठक से पहले कहा है कि वैश्विक शक्ति साझाकरण ढांचे में जगह पाने के लिए हिंदुओं को राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। स्वामी विज्ञानानंद वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के संस्थापक एवं वैश्विक अध्यक्ष हैं। स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क ने कनाडा में अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का आरोप लगाया और जस्टिन ट्रूडो सरकार की आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ट्रूडो कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। पाकिस्तान की शीर्ष जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया है कि राज्य की गोपनीय जानकारी कथित रूप से उजागर करने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत अर्जी पर खुली सुनवाई से अन्य देशों के साथ रिश्ते बिगड़ने का खतरा हो सकता है। ब्रिटेन की ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी पार्टी है। मैनचेस्टर में कंजर्वेटिव पार्टी के वार्षिक सम्मेलन के दौरान बोलते हुए क्लेयर कोटिनो ने कहा कि ब्रिटेन जल्द अपना परमाणु रोडमैप तैयार करेगा। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि देश का अगले साल प्रस्तावित चंद्र अभियान पाकिस्तान का भी एक पेलोड लेकर जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। मैक्सिको में एक चर्च की छत गिर जाने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक अभी भी लगभग 30 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। मैक्सिको में प्रवासियों को ले जा रहा एक मालवाहक ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें 10 क्यूबाई प्रवासियों की मौत हो गई, जबकि 17 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्पेन के मार्सिया में एक नाइट क्लब में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। मेयर बेलेस्टा ने मारे गए लोगों के लिए 3 दिन के शोक की घोषणा की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विपक्षी पार्टी के लोग उनसे चुनावी मुकाबला करने में असमर्थ हैं, इसलिए उन पर झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जापान के टोक्यो स्थित स्टार्टअप त्यूम्बे इंडस्ट्रीज ने 14.8 फीट लंबा 4 पहियों वाला रोबोट विकसित किया है, जो बेहद लोकप्रिय जापानी एनिमेशन श्रृंखला के मोबाइल सूट गुंडम जैसा दिखता है। चीन के शहर हांगजू में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन जारी है। 4x400 मीटर रिले के मिश्रित स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीत लिया है। महिलाओं के लॉन्ग जंप में भारत की एनसी सोजन ने रजत पदक जीत लिया है। एनसी ने 6.63 मीटर के जंप के साथ रजत पर अपना कब्जा जमाया। एशियाई खेलों में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में भारतीय एथलीट्स ने रजत और कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमा लिया। भारत की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक हासिल करने में सफलता हासिल की। वहीं महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में भारत की ही प्रीति कांस्य पदक जीतने में सफल रही। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अंतिम पूल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 12-0 के बड़े अंतर से हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की की। भारत की तरफ से हरमनप्रीत और मनदीप सिंह ने 3-3 गोल, जबकि अभिषेक ने 2 गोल किए। इसके अलावा अमित रोहिदास, ललित नीलकंठ शर्मा और गुरजंट सिंह ने 1-1 गोल किया। एशियाई खेलों के रोलर स्केटिंग में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय टीम ने 3000 मीटर की रेस को 4:34.86 में पूरा किया। रोलर स्केटिंग में भारत को एक और कांस्य पदक मिला। पुरुषों की 3000 मीटर रिले फाइनल में भारत 4:10.12 के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
भारतीय टीम में आर्यनपाल घुमन, आनंद कुमार, वेल कुमार, सिद्धांत कामले, विक्रम इंगले शामिल थे। चीनी ताइपे ने स्पर्धा का स्वर्ण पदक जबकि दक्षिण कोरिया ने रजत पदक जीता। टेबल टेनिस के महिला युगल में भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। भारत की ओर से सुतीर्था और अहकिया मुखर्जी की जोड़ी ने भारत को ये पदक दिलाया। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विंध्या रामराज ने पीटी उषा के राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 1984 में पीटी उषा ने 55.42 सेकंड में ये दौड़ पूरी की थी। एशियाई खेलों में भारत के अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता। अविनाश ने नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में पदक जीतकर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को पदक विजेता खिलाड़ियों पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अच्छे खिलाड़ियों के चयन में फेडरेशन की भूमिका अहम है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स का टीजर रिलीज किया गया। स्काई फोर्स 2 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगी। स्काई फोर्स पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पहले एयर स्ट्राइक की अनकही कहानी है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने बॉक्स ऑफिस पर रचा नया इतिहास, बनाया 600 करोड़ का बेंचमार्क। शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान 25 दिनों में 600 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। फुकरे 3 का बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन जारी है। फिल्म ने 4 दिनों में 43 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन किया है। कंगना रनौत की फिल्म चंद्रमुखी 2 को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म ने महज 4 दिनों में लगभग 41 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 इस साल दिवाली पर होने जा रही है रिलीज। फिल्म में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर 4 दिनों में 7 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। कोविड-19 महामारी और इससे बचाने वाली वैक्सीन की खोज पर बनी इस फिल्म में नाना पाटेकर, सप्तमी गौड़ा, पल्लवी जोशी, रायमा सेन और अनुपम खेर जैसे कई शानदार कलाकार हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत जल्द ही लाल सलाम में नजर आएंगे। लाल सलाम अगले साल रिलीज होगी। कंगना रनौत की फिल्म तेजस का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म का ट्रेलर 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के मौके पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में कंगना एयरफोर्स पायलट के किरदार में नजर आएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD News के साथ। नमस्कार।